भाजपा नेता शिवराम शिवहरे ने छोड़ी एक पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल, उपचुनाव में जीत का किया दावा। दल बदल का सियासी खेल विजय पर विधानसभा में लगातार जारी है। जहां एक और उपचुनाव की घड़ियां घटती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता के अपने पार्टी को उपेक्षित समझकर पार्टी छोड़ने का दौर भी जारी है। उन्हीं में से एक शिवराम शिवहरे हैं, जिन्होंने 25 अक्टूबर को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद ही श्री शिवहरे कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का पक्का दावा कर रहे हैं। कराह संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज हम टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हम कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों पार्टी छोड़ी जा रही है? पार्टी छोड़ने का कारण बहुत से ऐसे कारण होते हैं। हम पार्टी में गए, शामिल हुए, हमने देखा वहाँ की रीति और नीति को। ये लोगों से कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये कहते हैं कि हमें चुनाव जीतना आता है। हम चुनाव कैसे जीतते हैं ये हमको आता है। हमें कार्यकर्ता साथ हमारा दे या ना दे, पब्लिक कितना साथ देती है कोई बात नहीं, लेकिन हमें चुनाव जीतना आता है। गुटबाजी भी है और इसमें ठेकेदारी प्रथा चलती है, चाहे वो ग्राम पंचायतें हों, ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में जिस जो भी विभाग हैं सभी में इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, वो इनकी तय कर लेते हैं, सारे काम का ठेका ले लेते हैं, वोटों का भी ठेका लेते हैं। इसलिए जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो ये महसूस करते हैं कि यार हमारी कोई यहाँ महत्व नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब, नगर पंचायत एक मुद्दा बना रहा लेकिन कुछ अमल नहीं हुआ, आज तक क्या कहना चाहते हैं? आपने मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे को मैं 2008 से लगातार उठा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि कराल नगर पंचायत बनेगी तो विकास होगा। लेकिन यहाँ के भाजपा के जो नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और शिवराज सिंह चौहान साहब भी यहाँ रह चुके हैं मुख्यमंत्री, उनने दो बार घोषणा कर चुके हैं, 2008 में की थी, फिर 2013 में घोषणा की, उसके बाद हमारे नए मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने भी अभी 2024 में घोषणा की है कि हम नगर पंचायत बनाएंगे। लेकिन उनकी मंशा नगर पंचायत बनाने की नहीं है। हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और कराल को नगर पंचायत बनवाने के लिए मेरा जो प्रयास रहा है, और आज जो भाजपा ने हमारे लिए धोखा दिया है, इसलिए मैं उस भाजपा पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस के साथ जा रहा हूं, और कांग्रेस की सरकार में हम इसको जरूर नगर पंचायत बनवाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। क्या इस बार कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है? कांग्रेस की जीत तय भी है और सुनिश्चित भी है, और अधिक से अधिक वोटों से जीत होगी।